लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। इतिहास का अनसुना सच, तैमूर लंग बहुत ही निर्धन लड़का था। वह किसी धनवान व्यक्ति की भेड़ बकरिया चराया करता था तथा सुबह शाम किसी लोहार के अहरण पर घन मारने का काम करता था। परिवार में केवल उसकी एक माँ थी। एक दिन दोपहर के समय जंगल में पेड़ की छांव में बैठकर वह भोजन कर रहा था, तब उसे परमात्मा के रूप में कबीर साहब जी राह चलते दिखाई दिए। तैमूर लंग ने साधु जानकर उनसे भोजन पाने का आग्रह किया तो महात्मा रूप में कबीर साहब जी ने कहा कि बच्चा, भूख तो लगी है, भोजन हम अवश्य करेंगे। तैमूर लंग ने कहा, महात्मा जी, अभी तो भोजन कर लिया है, थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी भोजन मिल जाता, परंतु कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर है, मैं घर जाकर अपनी माँ से भोजन बनवा कर लाता हूँ, तब तक आप मेरी बकरियों का ध्यान रखना, कहीं खो गई तो मालिक मुझे दंड देगा। कबीर साहब जी ने कहा कि ठीक है बच्चे, मैं तेरी बकरियों का ध्यान रखूंगा। तैमूर लंग घर जाकर माँ से भोजन बनवाया तथा माँ के साथ भोजन लेकर आया तथा कबीर साहब जी को परोसा गया। जब तक कबीर साहब जी भोजन कर रहे थे, तैमूर लंग की माँ ने प्रार्थना की कि महाराज जी, हम बहुत निर्धन हैं, कभी तो खाने को अन्न भी नहीं रहता। ऐसा उसने बार बार कहा। जब कबीर परमेश्वर जी भोजन कर उठे तो पास में बकरियों की बांधने की सांकल बेल पड़ी थी, उसे ही उठाकर तैमूर लंग की पीठ पर उन्होंने 7 बार मारी, फिर लात और मुक्के भी मारे, फिर कहा कि जा, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, और जो बाद में लात मुक्के मारे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इसका साम्राज्य बट जाएगा। तैमूर लंग की माँ ने सोचा कि इस महात्मा के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है तो 7 पीढ़ी का राज यह कहां से देगा। इतना सोच ही रही थी कि कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए तो तैमूर लंग और उसकी माँ ने सोचा कि जरूर यह कोई सिद्ध उक्त महात्मा थे, हमने इनके बारे में सोचकर गलत किया। कुछ दिन बाद कबीर परमेश्वर जी तैमूर लंग के सपने में आए और कहा कि जिस अहरण पर तू हथौड़ा मारता है वह जगह तू अपने सेठ से मांग ले। तैमूर लंग ने कहा कि वह मुझे कैसे देगा, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि तू केवल उससे बात तो कर, बाकी का काम मेरा है। तैमूर लंग सुबह उठकर अपनी माँ से बताया कि माँ, मेरे सपने में आज वही महात्मा जी आए थे। तो उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा, उन्होंने दर्शन तो मुझे भी दिए थे, लेकिन वो बोल क्या रहे थे यह मुझे याद नहीं। तैमूर लंग ने कहा कि माँ, मुझे सब याद है, सारी बात बताई। सवेरे उठकर तैमूर लंग ने उस लोहार से कहा कि भाई, यह जमीन आप मुझे दे दो, मैं अपना काम चला लूंगा। लोहार ने कहा कि भाई, यह जमीन मुझे बेचनी है, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है, तू मुझे कहां से देगा इसके पैसे। तैमूर लंग ने कहा, सेठ जी, आपका पूरा पैसा दे दूंगा, 6 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा। लोहार सेठ को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए अहरण वाले उस जमीन को तैमूर लंग को दे दी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने तैमूर लंग को बताते रहे कि इस जमीन के चारों तरफ दीवार बनाकर इसके नीचे जो धन गड़ा हुआ है वह धीरे धीरे निकाल ले और अपना काम चला ले। तैमूर लंग ने वैसा ही किया, उस धन से कुछ कुछ घोड़े खरीदे और बेचने खरीदने का व्यापार करने लगा। लोग सोच रहे थे कि तैमूर लंग का तो धंधे ने हाथ पकड़ लिया, यह तो निहाल हो गया, लेकिन वह तो कबीर परमेश्वर की कृपा से धनवान हो रहा था। एक दिन तैमूर लंग जंगल में जा रहा था, कुछ दूरी पर उस गांव की एक लड़की कुछ काम कर रही थी। उधर से किसी राजा के सैनिक आए और लड़की को उठाकर ले जाने लगे तो उस बहन ने आवाज लगाई, रे भाई तैमूर लंग, मुझे बचा ले।
रे भाई तैमूर लंग मुझे बचा ले। तैमूर लंग उस लड़की को बचाने के लिए राजा के सैनिकों से भिड़ गया, लेकिन तैमूर लंग अकेला था। सैनिक 3-4 की संख्या में थे। तैमूर लंग को अधमरा करके पटक कर सैनिक लड़की को उठाकर लेके चले गए। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि इस राजा को सबक सिखाना ही है। उसने अपने जैसे ही कुछ गांव के युवा लड़कों को इकट्ठा कर उनको लड़ना सिखाया और बदले में उसको पैसे देने लगा, जिससे और युवा लड़के आकर उसका साथ देने लगे। उनको लड़ना सिखाया, हथियार बनाना सिखाया। ऐसे करते करते उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी फौज बना ली। समय देखकर तैमूर लंग ने उस राजा पर हमला बोल दिया। राजा के सिपाहियों ने देखा कि उन पर हमला होने वाला है, तो राजा को जल्द सूचित किया गया। राजा का मुख्य सेनापति ने देखा कि उसके सामने लाखों की तादाद में सेना खड़ी है। सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज, हमें आत्मसमर्पण करने में ही भलाई है। राजा ने तैमूर लंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तैमूर लंग उसे मारने गया तो उसे कबीर परमेश्वर की बात याद आ गई कि जीव हिंसा नहीं करना है। इसलिए राजा की जान उसने बख्श दी और कहा कि यह राज्य छोड़कर वह चला जाए। उसने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद दूसरे राजा के राज्य में जाकर उसे भी जीत लिया। ऐसा करते हुए तैमूर लंग ने ईरान इराक को जीतते हुए मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसने भारत को भी जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। समय उपरांत उसका तीसरा पोता बाबर को साम्राज्य देकर वह चला गया। इतिहास गवाह है कि तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक तैमूर लंग की 7 पीढ़ी ने दिल्ली पर राज की, और उसके बाद समय के साथ साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कबीर साहब जी ने निर्धन तैमूर लंग की एक रोटी खाकर उसे 7 पीढ़ी का राज बख्शीश दिया। इसलिए कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि रोटी तिमर लंग को देनी, ताते 7 बार साही लेनी। तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज देने वाले वो अविनाशी परमात्मा कबीर साहब ही है। अपने आत्माओं, तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खा कर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूँ तैमूर लंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ, और इससे पूछा कि तू 2 करोड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूर लंग को दी नी, ताते 7 बाद साहिली नी, एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खा कर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपुन आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती।